Hello everyone, welcome to 24/7 English. In this video, I want to take you to a journey. Journey? Surprised. Exactly. So, this journey is to the end of the earth. I hope you got it. It's the third lesson of Vista's Journey to the End of the Earth. अब जैसे ही जर्नी का नाम आता है हमारे सामने many question arises. What sort of question? कि जैसे जर्नी करनी है तो पहले तो जर्नी होती क्या है. जर्नी मीन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना. अब कभी हम शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, कभी बहुत लंबी जर्नी पे जाते हैं, दैट इज नोन एज वॉयज. शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप्स भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं. कभी हम एजुकेशनल ट्रिप पे निकल जाते हैं, कभी हम फॉर द रिक्रिएशनल पर्पज हम जाते हैं, जैसे वंस इन अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, सो दैट वी शुड रिजुविनेट आवरसेल्फ और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिफ्रेश कर सके, अपने आप को रिफ्रेश कर सके. उसके लिए हम जर्नी प्रेफर करते हैं, हम घूमने जाते हैं. लेकिन ये जर्नी जो है ये थोड़ी सी अलग है. अब जर्नी का नाम आते ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, वेयर, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, हमें जाना कहाँ है. अब हमें क्या पता चला है, दैट वी हैव टू गो टू द एंड ऑफ द अर्थ. अब एंड ऑफ द अर्थ कहां पर है. अब हम कभी जर्नी जाते हैं या हम कभी ट्रेवल करते हैं तो पहले हम सब कुछ गूगल पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, दैट वेयर वी हैव टू गो, वाई शुड वी गो, एंड वॉट आर द डिफरेंट प्लेसेज वी शुड सी. जो भी वहां पे प्लेसेज हैं, टूरिस्ट प्लेसेज हैं, वो सब क्या क्या है वो हम देखते हैं, पहले से सब कुछ सर्च आउट कर लेते हैं, कहाँ हम रुकेंगे, कैसे क्या खाना है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वेदर इज देयर. तो ये सब चीजें हम पहले से चेक करके जाते हैं. अब इस जर्नी के लिए जब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन हमें पता चल गई. अब एंड ऑफ द अर्थ कहां पर है. दिस इज एट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका ये कौन सी जगह है जो बिल्कुल नीचे आप मैप के ऊपर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि एंटार्क्टिका बिल्कुल साउदर्न पार्ट में है, वहां हम जा रहे हैं. अब इस जर्नी के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि व्हाई, जरूरत क्या है इस जर्नी पे जाने की, इतनी दूर ट्रेवल करने की क्या जरूरत है. तो उसके क्वेश्चन भी इस लेसन के अंदर ही आंसर है इसके. देन अब जर्नी के बाद हमें क्या बेनिफिट हुआ या हम क्या अपने क्वेश्चंस को अपने उनको एनालाइज कर पाए, क्या हम उनके आंसर्स फाइंड आउट कर पाए, जिस पर्पस के लिए हम गए थे क्या वो हमारा पर्पस फुलफिल हो पाया. सो वी विल गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन. सो द लेसन इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी. तिशानी दोषी अ वेरी वंडरफुल राइटर, अ पोएट, शी इज एन इंडियन पोएट एज वेल एज राइटर, डांसर एंड जर्नलिस्ट, बेस्ड इन चेन्नई. चेन्नई तमिलनाडु से हैं और यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, शी इज अ वेरी वर्सेटाइल पोएट एंड डांसर, जर्नलिस्ट एंड ऑल. नाउ विल कम टू द थीम ऑफ द लेसन. अब थीम में वही सब चीजें, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आपकी एक्चुअली जर्नी है. और वो जर्नी किस लिए है, क्या रीजन हमें उसके, क्या क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं, क्या उनके रीजन हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे आज के टाइम में जो आज का सिनारियो है उसमें वी आर फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग आजकल एक हॉट टॉपिक है और हर जगह उसको डिस्कस किया जाता है. सो ये लेसन आपका अभी रिसेंटली नहीं लिखा हुआ, इट हैज बीन रिटन मेनी इयर्स अगो, बट उस टाइम से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक चलता आ रहा है जिसका हमें वे आउट फाइंड आउट करना है, हमें ढूंढना है उसका सोल्यूशन. अब वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, रीजन हम देखते हैं कि पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है. उस पोल्यूशन लेवल की वजह से क्या है कि हमारा जो एटमोस्फेरिक गैसेस हैं, एटमोस्फेयर में जो हमारी गैसेज हैं, आपको मालूम होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आपके अर्थ के सराउंडिंग, हमारी अर्थ के सराउंडिंग में काफी सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 एंड सो मेनी गैसेज आ गया. तो वो गैसेस कंबाइन करके वो सारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करती हैं जिससे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अर्थ के अंदर ही रहता है. हमारी अर्थ जो है अपने टेम्परेचर को एक मेंटेन करके रखती है. प्लस उन गैसेस की वजह से जो सन रेज हैं, सन रेज में जो यूवी रेज हैं वो भी डायरेक्ट हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती,
और उसके लिए आपको पता होगा कि ओजोन लेयर एक लेयर बनी होती है हमारी अर्थ के सराउंडिंग जो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज. यूवी रेज मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज. अब आपने काफी टाइम से ये सुना भी होगा कि बहुत पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन और बाकी सारे प्रॉब्लम्स व्हाट एवर वी आर फेसिंग इन आर सोसाइटी और इन आर एनवायरमेंट अगेंस्ट द नेचर. तो उस वजह से क्या हुआ कि ओजोन लेयर डिप्लीट होनी शुरू हो गई है. डिप्लीट मतलब वो धीरे धीरे हटने लग गई है, कटने लग गई है, कम होने लग गई है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आपने नोटिस किया होगा, आपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चला होगा आपको कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड में काफी हद तक ओजोन लेयर जो है वो हील हो चुकी है. तो ओजोन लेयर का अब वो धीरे धीरे हटने लगी है. तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी डायरेक्ट यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो अर्थ के ऊपर आने लगी और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा. जैसे आपको पता है कि गर्मी साल भर साल एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है और उसका रीजन यही है ग्लोबल वार्मिंग. और उससे बहुत सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. सो हियर द थीम ऑफ दिस लेसन इज राइटर डिस्क्राइब्स द जर्नी टू द कोल्डेस्ट. अब एंटार्क्टिका को क्या बताया है, इट्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट. सबसे ज्यादा ठंडा कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट बहुत ड्राई है, ड्राई मीन्स वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट ग्रो कर सके या कुछ, एंड विंडीएस्ट बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं. इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स, उनमें से दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो ये हमारा है एंटार्क्टिका. अब द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका कहते हैं कि सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस, बट यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल हिस्ट्री वहां पे है. अब वो हिस्ट्री कैसे है, क्योंकि वहां पे लेयर्स ही लेयर्स जो है वो आइसबर्ग्स हैं. वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो सालों से जिसको कहते हैं कि लेयर बाय लेयर या परत बाय परत चढ़ते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वासी गैसेस जो है वो अंदर जम चुकी हैं. तो उसके स्टडी जब साइंटिस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो कितने हजारों साल, मिलियंस ईयर्स पुराने हैं. सो यहां पर हमारी हिस्ट्री जो है वो बताता है. अब नाउ व्हाट द राइटर सेज, जोफ ग्रीन. जोफ ग्रीन इज द नेम ऑफ अ प्रोफेसर हु इज गोइंग टूवर्ड्स एंटार्क्टिका अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स. अपने स्टूडेंट्स के साथ वो एंटार्क्टिका के लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम है आइस, एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ. और उनका एम क्या है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाए एंटार्क्टिका में और वहां पे जाके वो अपने फाइंडिंग्स फाइंड आउट करें, मतलब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करें कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी हो रही है उसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या आ रहा है और हमारी अर्थ का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था, प्लस फ्यूचर क्या होगा. वो सब चीजों का आंसर फाइंड आउट करने के लिए जोफ ग्रीन जो है वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं आइस प्रोग्राम में. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द लेसन. इफ यू वॉन्ट टू नो more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. Bon voyage. Bon voyage, it's a French word, means happy journey, good luck for your journey and good luck wherever you are going. To ab ye kehta hai right, what the writer says ki apne planet ka earth hi planet hai jahan par humans hain, human life hai, to wo kehta hai past, present, future ye sab janne ke liye hum ek उस पे जर्नी पे चलते हैं. अभी इट्स अ वेरी बिग जर्नी क्योंकि एंटार्क्टिका बहुत पास में नहीं है कि आपने रिक्शा किया या बस ली या टैक्सी ली, हायर की और आप एंटार्क्टिका पहुंच गए, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी एट अ वेरी डिस्टेंट प्लेस. सो अब ये कहते हैं कि बॉन वॉयज. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शुकाल्स्की heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Now what he says, ki academic Shukelsky, this is the name of a Russian ship. Aur ye kidhar ja raha hai, heading towards, kahan ja raha hai, coldest, driest, windiest continent of the world means Antarctica. It's going towards Antarctica. And my journey began 1309 degrees north of the equator in Madras. Ab north direction mein, वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग बता रहे कि किस डायरेक्शन में उन्होंने टर्न किया. 13.09 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ दे हैव टर्न एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग नाइन टाइम जोन्स क्रॉस करते हुए. वी हैव टोटल 24 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड.
पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स हैं. टाइम जोन्स यानी अलग अलग टाइम, अलग अलग उसका अकॉर्डिंगली. तो वो आपका, वो कहते हैं 9 टाइम जोन्स उन्होंने कवर किए, 6 चेक पॉइंट्स कवर किए, और उसके बाद 3 बॉडीज ऑफ वाटर. 3 बॉडीज ऑफ वाटर कौन कौन से? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन. ये उन्होंने कवर किए, मीन्स इतना ट्रेवल करने के बाद. एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फियर्स. इकोस्फियर्स मीन्स प्लांट्स एंड बायोस्फियर एवरीथिंग. तो वो सब उन्होंने कवर अप किया. बाय द टाइम ड्यूरिंग देयर जर्नी दे हैव कवर्ड अप ऑल दीज थिंग्स. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव वाइल्ड landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. Now, when they actually land on Antarctica, they put their foot. अपना पहला पैर जब उन्होंने एंटार्क्टिका के ऊपर रखा तो उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया था? 100 आवर्स की जर्नी वो ट्रेवल कर चुके थे. 100 आवर्स, यू कैन इमेजिन. अगर हम इंडिया से अमेरिका के लिए ट्रेवल करते हैं तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 hours. इतनी लॉन्ग इसकी जर्नी होती है. अब आप ये इमेजिन करिए कि जब इंडिया से अमेरिका की इतनी लंबी जर्नी है तो दे आर गोइंग टूवर्ड्स एंटार्क्टिका. तो 100 आवर्स की उन्होंने जर्नी जो है वो ट्रेवल कर ली है. और उसमें व्हाट दे से, व्हाट आर देयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या क्या उन्होंने यूज किया? दे हैव ट्रेवल थ्रू कार, एरोप्लेन, शिप. ये सबका कॉम्बिनेशन, इन सबके थ्रू ट्रेवल करके वो फाइनली कहां पहुंचे? एंटार्क्टिका में पहुंचे. और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वहां पे पैर रखा तो उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था एंटार्क्टिका को देखते ही, क्या था एंटार्क्टिका कैसा? एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप. लैंडस्केप मीन्स द सराउंडिंग, द एरिया दैट वाज कंप्लीटली वाइट बिकॉज ऑफ स्नो. और स्नो नहीं कहेंगे, इसको आइस बोलेंगे. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस? आइस जो आपकी जम चुकी होती है, और स्नो जो आपकी करंटली जस्ट लाइक रेनफॉल स्नोफॉल होती है वो. तो ये कहते हैं यहाँ पे आइस, और वो बिल्कुल व्हाइट था सारा एरिया. तो वहां वो देख के इट वॉज रियली एक्सपेंसिव फॉर दैम. एक्सपेंसिव वाई शी सेइंग एक्सपेंसिव? क्योंकि ऐसा सी कहीं और देखने को कभी भी नहीं मिलेगा. दैट वॉज टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स. वहां पे लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, वहां लोग नहीं जाते हैं. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग होराइजन वॉज अ रिलीफ. सबसे पहला उसको रिलीफ हुआ कि फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर, कि हम अब पहुंच गए हैं. क्योंकि 100 आवर्स की जर्नी बहुत लंबी जर्नी होती है. You yourself can imagine कि approximately more than 3 days वो travel करके वहां पर पहुंचे हैं. And it was profound wonder. बहुत wonderful place था, and they were also in wonder कि वहां जाते एकदम ऐसे उनको आश्चर्य हो गया कि कैसी जगह है, क्योंकि कभी ऐसी जगह पे नहीं गए थे और देखा भी नहीं था. Wonder at its immensity, its isolation. Immensity, isolation, बिल्कुल अकेलापन. आइसोलेशन, एकदम आइसोलेटेड प्लेस है, क्योंकि वहां पे जो बाकी कंट्री से और बाकी जगह से बहुत कोसों दूर है जिसको कहते हैं. और इमेंसली ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बी हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास. अब क्या कहते हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट गोंडवाना. गोंडवाना क्या था कि जब हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियंस अगो, तो आपका जो पूरा वर्ल्ड था तो उसमें ऐसे अलग अलग कि यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका व्हाट वी से ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये साउथ अफ्रीका है, ये रशिया है, ये अलग अलग नहीं थे ऐसे. दे वर ऑल कंबाइंड टुगेदर. ये सब कुछ इकट्ठे थे. और उस टाइम पे सिर्फ 2 पार्ट्स थे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, ल्यूरेशिया एंड देन गोंडवाना. गोंडवाना हमारा इंडिया का पार्ट था, इंडिया हमारा इसमें आता था, वहीं से अंटार्कटिका निकला, वहीं से ऑस्ट्रेलिया निकला, वहीं से आके आगे आपका नॉर्थ अमेरिका और बाकी सारे साउथ अफ्रीका ये सब निकले. तो वो कहते हैं कि ये इतने पुरानी बात कि इंडिया और अंटार्कटिका वो सब एक ही लैंडमास. लैंडमास मतलब लैंड का पूरा एक कलेक्शन. वो लैंड जो पूरा इकट्ठा था उसमें इंडिया और अंटार्कटिका दोनों ही आते थे. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री. नाउ शी वॉन्ट्स टू टेक यू टू द हिस्ट्री. अब वो हिस्ट्री में लेके जाना चाह रही है कि आप हिस्ट्री, क्योंकि जैसा बताया है इसमें कि यहाँ पे वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में भी आपको अंटार्कटिका से बहुत सारे आपके आंसर्स मिलते हैं. सो 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650, यू कैन इमेजिन, अ जायंट अमलगमेटेड सदरन
सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जैसे आपको बताया 350 मिलियन आपको मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे बताया था, ये यहाँ पे कहते हैं 650, यानी उससे भी 300 मिलियन पहले की बात है ये, कि आपका एक पूरा लैंडमास था, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, एंड दैट वॉज गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, जिसमें सारा अब जो आपका प्रेजेंट एंटार्क्टिका है वो भी उसके अंदर ही उसी का एक पार्ट था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. ह्यूमंस हैड नॉट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर. अब क्या बताया है यहाँ पर राइटर ने कि उस टाइम पे बहुत कुछ इट वॉज टोटली डिफरेंट. पहले जैसा अब है ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था सब कुछ. कैसे कि ह्यूमंस तब तक इस पे अर्थ पे अराइव ही नहीं हुए थे, तब तक ह्यूमंस जो है वो पैदा ही नहीं हुए थे, आए ही नहीं थे ह्यूमंस. एंड द क्लाइमेट वॉज मच, और क्लाइमेट जो आपका था वो पहले अभी जितना वार्म है उससे ज्यादा वार्म था. वार्म मतलब गर्म था. होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना इज अ कॉम्बिनेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि उस टाइम भी प्लांट्स और बहुत बड़ी ह्यूज वैरायटी, अ वेरी बिग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना थे. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम वेन द dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway. Ab they are talking about the age of dinosaurs. Dinosaurs aapko pata hoga ki wo humans se pehle the, to abhi humans to earth pe aaye hi nahi hai, usse pehle ki wo baat bata rahe hain. Aur kehte hain 500 million years ki baat ke time pe gondwana jo hai wo thoda sa separate hona shuru hua, but around the time when the ab us time pe dinosaurs jo hai wo khatam hone lag gaye and all mammals start hone lag gaye. Mammals, those who give birth to their children, their next progeny. The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. You can see on the screen the current map of world. Ab ye sare world mein, world ke andar ye sare jo countries hain wo sab alag alag ho chuke hain, separate ho chuke hain, jaise aap dekh rahe hain isme screen ke upar. Lekin pehle aisa nahi tha. Gondwana jo hai ek pura collected part tha, aur fir dheere dheere ye sare wo kehte hain कि सब कंट्रीज सेपरेट होके अलग अलग उन्होंने एक शेप ले ली, और वो एक पूरा ग्लोब का उनको एंटायर इस तरह का ग्लोब जो है वो बन गया. टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग. अब क्या बताते हैं कि एंटार्क्टिका जाना मीन्स टू ट्रेवल टूवर्ड्स द एंटार्क्टिका, दैट इज मीन्स दैट्स द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. कि आप अपनी हिस्ट्री को वहां जानते हैं, वहां जाके कैसे जानते हैं कि वहां जाने के बाद कहां से हम आए हैं और फर्दर हम कहां की तरफ जा रहे हैं, हम कहां पॉसिबली जा सकते हैं, वो वहां पे एंटार्क्टिका में जाने से हमें पता चलता है. इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कजेलियन फोल्ड्स एंड फ्री कैम्बियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन. अब सबकी बात वो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो लेयर्स बनी है, आपके जो स्टोन्स आई हैं, सबके आपके माउंटेन्स जिस तरह से बने हैं, ओजोन लेयर जो बनी है, कार्बन कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन की कॉम्बिनेशन हुआ है सारा वहां पे, ग्रेनाइट की शील्ड्स बनी, जमनी शुरू हुई, इवोल्यूशन यानी पैदा होना, ह्यूमंस का आना और बाकी एनिमल्स का आना, डिफरेंट स्पीशीज को होना और पुरानी स्पीशीज का एक्सटेंक्ट होना, कि जैसे नए स्पीशीज आते गए, जैसे डायनासोर्स ने कहा कि एक्सटेंट हो गए, वो खत्म हो गए, इस तरह से बहुत सारे स्पीशीज जो पहले थे वो अब खत्म हो चुके हैं, वो एक्सटेंट हो चुके हैं. तो उस तरह से वो सारा इसके बारे में, इसको टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वी मस्ट गो टू एंटार्क्टिका. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एंटार्क्टिका चले जाए, बट वो कहता है कि साइंटिस्ट जो एंटार्क्टिका जाते हैं इन सब क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए, इन सब चीजों को जानने के लिए वो लोग जाते हैं. वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रीटी माइल्ड बॉगलिंग. इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज. नाउ व्हाट इज सेइंग कि अब मिलियन ईयर्स में क्या कुछ हो सकता है, आप इससे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे बताया है कि इंडिया एक साइड पे चला गया, फिर वहां से हिमालयाज कैसे ओरिजिनेट हुए, हिमालयाज कैसे निकल के आए, साउथ अमेरिका किधर ड्रिफ्ट होके बिल्कुल साइड में चला गया, नॉर्थ अमेरिका दूसरी साइड चला गया, एंड ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और उनके बीच में एक जो करंट क्रिएट हुआ, करंट मीन्स वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर करंट, क्योंकि बीच में से पानी आ गया, क्योंकि पहले तो पूरा लैंडमास कलेक्टेड था और वो धीरे धीरे जब सेपरेट होने शुरू हुए तो वो जो बीच बीच में से है वो कहीं कहीं जो सी था, ओशन था, वो ओशन जो बीच बीच में से जाना शुरू हो गया, मीन्स उसका करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड डेजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और उसने एंटार्क्टिका को बिल्कुल डेसोलेट एकदम अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, बिल्कुल साउदर्न पार्ट में कर दिया,
और एकदम सब चीजों से दूर कर दिया. For a son worshipping South India like myself. Now she is from Chennai, as I've told you before. Who? Dishali Doshi. And Chennai is situated in Tamil Nadu, southern India, south part. So she says that as for a sun worshipping, because you might be aware about the sun temple in south south India. So वहाँ पे sun worshipping बहुत ज़्यादा होती है. तो कहती है कि जैसे हमारा ये culture है, जैसे हम करते हैं. 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. What she says is that ki ab yahan pe ab ek sun worshipping south indian meri jaise bande ke liye 2 weeks wahan pe spend karna aisi jagah par jahan 90% of the earth ki wahan pe earth ko kya hai wahan pe wahan sirf ice hai aur kuch nahi hai wahan sirf ice hai और वॉल्यूम्स ऑफ आइस मतलब आइसबर्ग्स बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो है वहां इन अ प्लेस आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग और बहुत चिलिंग एटमोस्फियर मीन्स कहते हैं ना कि हड्डियों में ठंड घुसाने वाला इतनी ठंड है वहां पे. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस कि हमारी बॉडी के सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेट जो हमारे होता है वो वहां पे जाके ऐसी जगह में जाके अगर हम प्रॉपर कपड़े ना पहने हो या थोड़ा सा भी हमें ठंड लग जाए तो हमारा ब्लड जो है वो फ्रीज हो सकता है वो जम सकता है अंदर और हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस जो है वो सब जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन और आप हम अब अगर हम इमेजिन भी करें कि हम इतने ठंडे एक जगह पर जा रहे हैं जहां पे लैंडमार्क है ही नहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं तो इवन यू कैन इमेजिन कि क्या होगा और कैसा होगा जब हम लोग सन को फेस करने वाले हैं सन की वर्शिप करने वाले हैं डेली हम सनलाइट को फेस करते हैं और हमें सनलाइट जो है वो अच्छी लगती है. इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स. ऐसी पिंग पोंग बॉल मतलब ऐसा पिंग पोंग बॉल क्यों बोला है क्योंकि सब कुछ वॉटर के ऊपर है जो पूरे आइसबर्ग्स हैं जो पूरे ग्लेशियर्स हैं वो वॉटर के ऊपर है और उसके सराउंडिंग में क्या है सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है. तो कहते हैं ऐसी जगह पर डिवॉइड ऑफ कि बिल्कुल अलग है विदाउट एनी ह्यूमन मार्कर्स कि ह्यूमंस का तो नामो निशान ही नहीं है वहां पे और ह्यूमंस नहीं है तो नो ट्रीज बिलबोर्ड्स बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं है. अब जहां ह्यूमंस जाएंगे वहां डेवलपमेंट होगा जहां ह्यूमंस जाएंगे वहां वो डिस्ट्रक्शन करेंगे. क्यों? क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना है अपने बेटरमेंट के लिए. तो वो कहते हैं यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कोई बिल्डिंग्स नहीं है कोई टाउन्स नहीं है कोई सिटीज नहीं है कोई बिलबोर्ड्स नहीं है कोई ट्रीज नहीं है कुछ भी नहीं है. यू लूज ऑल अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर. समटाइम्स दिस क्वेश्चन अराइजेस व्हाई यू लूज द अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम व्हाइल रीचिंग टू एंटार्क्टिका कि हमें वहां जाकर बिल्कुल हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हम अर्थ के किसी सर्फेस पर खड़े हैं. क्यों क्यों नहीं फील होता? क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं है वहां पे ट्रीज नहीं है वहां कोई ऐसा ह्यूमैनिटी के नाम की कोई भी चीज नहीं है मतलब जो ह्यूमन से रिलेटेड है. जैसे हम लोग जहां रहते हैं ह्यूमन बींग्स जहां रहते हैं वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं उनको सोसाइटीज पसंद होती हैं वो सारे अपने घर बना के रहते हैं उनको सब चीजें चाहिए वो हर चीज को अपने पास लाना चाहते हैं इन द सेंस की मार्केट्स होती हैं बाकी वॉट एवर दे वॉन्ट टू फॉर देयर नीड्स वो सब उनके सराउंडिंग्स में होता है उनके विसिनिटी में होता है. लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है तो दैट्स वाई वी फील दैट अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम वी लूज दैट. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, measures and mites to blue whales and icebergs as big as countries. अब क्या कहता है कि visual scales जितना दूर तक हम देखते हैं पूरी रेंज में हमें क्या दिखाई देता है कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज. अब वो छोटी चीज भी है आप कहते हैं कि midges and mites मतलब small insects, mites छोटे छोटे जो आपके you can say rats also, to blue whales वहां blue whales नजर आती हैं और icebergs ही दिखाई देते हैं. icebergs बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स वहां पे नजर आते हैं और कितने बड़े ग्लेशियर्स को कहता है एज बिग एज कंट्रीज एक पूरी कंट्री के बराबर इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं. कैन यू इमेजिन इंडिया के अगर साइज का ग्लेशियर हो तो कितना बड़ा होगा. और वो कहते हैं कि कितना बड़ा जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम इज द कंट्री इन यूरोप और आपको पता होगा कि आपने अगर वर्ल्ड में देखें तो आप बेल्जियम का वो देखिए कितना एरिया है एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो कि उस एरिया के साइज का इतना बड़ा वहां पर एक आइसबर्ग है. नाउ डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर हॉस्टल समर लाइट. वो कहते हैं कि वेरी अनरियल
मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम एक सच में किसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, बड़ा अनरियल सा लगता है। 24 आवर्स जो वहां निकलते हैं, माइल्ड टेम्परेचर रहता है, बहुत कम लो टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर हम रह रहे हैं। क्योंकि वहां पे क्या है, अंटार्कटिका में 6 मंथ तक बिल्कुल अंधेरा रहता है और 6 मंथ जो है वो डे लाइट रहती है, मतलब 6 महीने पूरा रात और 6 महीने पूरा दिन, इस तरह से वहां चलता है। तो कहते हैं कि 24 लगता ही नहीं ऐसे कि पूरा एक दिन हो गया, पता ही नहीं चलता। एंड यूबिक्विटस साइलेंस दैट इज फाउंड एवरीवेयर, ऐसी साइलेंस जो सब जगह नजर आती है। क्यों? क्योंकि वहां ह्यूमन बींग्स नहीं है, वहां कोई एनिमल्स नहीं है, कोई और वहां पे स्पीशीज नहीं है, तो क्या है वहां पे कंप्लीट साइलेंस है और हर तरफ वो साइलेंस फैली हुई है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कार्विंग आई शीट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। अब क्या कहते हैं, कैसे इंटरप्ट होती है, उसको क्या इंटरप्ट करता है उस साइलेंस को, जब एवलांच होते हैं। एवलांच मतलब जब आइसबर्ग बीच में से टूटकर गिर जाती है पानी में, तब वहां पे आवाज आती है और तब वो उस साइलेंस को इंटरप्ट करती है वो साउंड। और या फिर क्या होता है कि उससे नई आइस शीट स्प्लिट अप हो जाती है, अलग हो जाती है, एक अलग ही आइसबर्ग बन जाता है एंड दैट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। अब वो कहता है ये सब जो होता है वो उस प्लेस को, उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस आइसबर्ग को, इट प्योरिफाइज इट, उसको और प्योरिफाई कर देता है, उसको कॉन्सिक्रेट कर देता है। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब ये ऐसा इमर्शन है, ये सारा जो मिक्सचर चल रहा है, जो आपकी आइसबर्ग्स वहां बनी हुई है, जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं, उसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी गैसेस की वो बनी हुई आइस। तो अगर हम उसको जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कि जब उसको साइंटिस्ट बीच में से निकाल के देखते हैं तो उसमें बबल्स से दिखाई देते हैं। तो वो बबल्स क्या है, दैट आर द गैसेस। उन गैसेस जो थी वो सब सॉलिड फॉर्म में कंबाइंड होकर आइस की फॉर्म उन्होंने ले ली यहां पर। और कहते हैं वो अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, उसकी पूरी जियोलॉजी के बारे में हमें बताती है कि अर्थ कैसी पहले थी और क्या क्या हुआ था। क्योंकि अब इतने सालों पहले जब ह्यूमंस ही नहीं थे, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सर्च आउट करते हैं, सो दैट दे शुड कम टू नो अबाउट द वेरियस थिंग्स व्हाट हैपेंड सो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। तो वो वहां पर यहां से पता चलता है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। प्रोग्नोसिस मीन्स दैट आउटकम, कौन सा आउटकम, जो आइसबर्ग्स मेल्ट हो रही हैं, वो टूट कर गिर रही हैं, नए आइसबर्ग्स फॉर्म हो रही हैं, वो आउटकम जो है वो ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। इट्स नॉट अ स्टोरी एज आई एम अगेन टेलिंग यू, ये एक फैक्ट है, रियलिटी बेस्ड है। और इस सबको की अब क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो अब तक हमने पढ़ा, हमने जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि अर्थ की हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड अबाउट द ह्यूमन इम्पैक्ट, कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट हुआ इन सब चीजों के पीछे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड आई होप दैट यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज नॉलेजेबल। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एज वेल एज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।